आज का हमारा टॉपिक है कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं। चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ हमारे पास प्लस के चार्जेस होते हैं और कुछ हमारे पास नेगेटिव के चार्जेस होते हैं। अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो प्लस के चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी Q1 चार्ज है जो प्लस का चार्ज है और Q2 चार्ज है जो प्लस का चार्ज है। अब दोनों एक जैसे चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब अपोजिट साइड पर धकेल देंगे। अगर हमारे पास चार्जेस अपोजिट हो, मतलब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, यहाँ पर Q1 प्लस का है और Q2 माइनस का है। अब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करते हैं, अपनी तरफ खींचा करते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करेंगे। जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हुआ करता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और चार्जेस को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर चार्जेस Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास आर है। अगर चार्जेस हुए एक जैसे, चाहे प्लस के हुए या माइनस के हुए, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन चार्जेस के नेचर के बारे में काफी कुछ काम हो चुका है, लेकिन 1874 में चार्ल्स कोलम ने इस पर काम किया और उन्होंने इसके मुतालिक लॉ पेश किया। उसके मुताबिक द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मुतनासिब है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, उन चार्जेस के हासिल ज़रब के रास मुतनासिब। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये फोर्स इन चार्जेस के हासिल ज़रब के रास मुतनासिब है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वही फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन चार्जेस के दरमियानी फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एफ प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हम लोग जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करना हो तो हम लोग उसके लिए कांस्टेंट लगाया करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो बराबर आ जाएगी और इसके लिए यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट हमने k लेट कर लिया है। अगर हम k की डिटेल को देखें तो k हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है और k की वैल्यू हमारे पास 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब इसमें हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास 8.85×10⁻¹² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ये हमारे पास परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट के दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। अगर हमने उनके दरमियान मीडियम फ्री स्पेस को रखा हुआ है उस सूरत में ये एप्सिलॉन नॉट होगी और उसकी वैल्यू 8.85×10⁻¹² होगी। अगर हम लोग इस मीडियम को चेंज करते हैं तो उस वक्त इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हम आगे देख लेते हैं। तो अब हमारे पास, हमने पानी ये किया कि हमारे पास जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के डायरेक्टली और उनके डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया तो उसके लिए एक कांस्टेंट k लगाया, k की वैल्यू हमने स्टडी किया तो वो हमारे पास है 9×10⁻¹। अगर हम लोग इस k की वैल्यू यानी 1/4πε₀ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगी f=1/4πε₀ q1 q2 बटा r स्क्वायर। कोलम फोर्स हमारे पास f=1/4πε₀Q1Q2r² के इक्वल है। ये फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल दो चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2, जो हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास Q1 एक चार्ज है और दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज है। अब म्यूचुअल से मुराद है कि जितनी फोर्स Q1 एग्जर्ट करेगा Q2 पर उतनी ही फोर्स Q2 हमारे पास Q1 पर एग्जर्ट करेगा। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास Q1 एग्जर्ट करता है फोर्स Q2 पर, ये वाला इस पर फोर्स एग्जर्ट करता है।
सूरत में हमेशा लिखा करते हैं f इज इक्वल टू f 2 1। इसमें क्या है कि जो q1 चार्ज है वो q2 पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। लिखने में जो हमारे पास राइट साइड वाला होता है वो फोर्स एग्जर्ट क्या करता है, यानी q1 जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा q2 पर। अगर हम लोग इसके अपोजिट भी बना लें, अब हम कहते हैं कि जो हमारा q2 है वो फोर्स एग्जर्ट करता है q1 पर, अब फोर्स एग्जर्ट करने वाला हमारे पास 2 है तो हम इसे लिखेंगे f 1 2, यानी जो 2 है वो एग्जर्ट कर रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होगी, यानी कि f 1 2 और f 2 1 ये इक्वल होगी। लेकिन क्या है कि जो हमारे पास f 2 1 है इसकी डायरेक्शन ये वाली है और इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो इन चार्जेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन ये फोर्स इक्वल होगी। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस का साइन लगा दिया करते हैं। तो कॉलम की फोर्स चार्जेस के दरमियान म्यूचुअल फोर्स है जो इक्वल होती है लेकिन अपोजिट होती है। अगर अब हम इनकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग आपसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा उसकी फोर्स पर, अगर ये यूनिट वेक्टर f 1 2 का है तो ये भी 1 2 हो जाएगा और अगर ये 2 1 का है तो ये यूनिट वेक्टर 2 1 का हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस यूनिट वेक्टर के साथ इस फोर्स को लिखें तो ये हमारे पास f 1 2 हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 बाय आर स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर 1 2 का, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 2 का। इसी तरह अगर हम लोग 2 1 के लिए फोर्स लिखे तो इसमें यूनिट वेक्टर 2 1 का आ जाएगा। अगर हम लोग इस फोर्स को देखें तो इसमें चार्ज q2 फोर्स एग्जर्ट करता है q1 पर और इसमें चार्ज q1 फोर्स एग्जर्ट करता है q2 पर। अब ये दोनों फोर्सेस f12 और f21 ये इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर इसके अलावा हमने बात कर रखी है एप्सिलॉन नॉट की, हमने कहा था कि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब अगर तो हमारे पास फ्री स्पेस है दो चार्जेस के दरमियान बतौर मीडियम, तो उस सूरत में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होगा अगर हम लोग मीडियम चेंज कर देते हैं, फ्री स्पेस के अलावा कुछ और मीडियम ले आते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी, अब इसमें रिलेटिव का हिस्सा आ जाएगा, मतलब जिस तरह का मीडियम होगा ये उसकी परमिटिविटी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। अगर तो मीडियम सिर्फ फ्री स्पेस हुआ उस सूरत में इस रिलेटिव की जरूरत नहीं होगी, तब हमारे पास यही फार्मूला चलेगा। अगर हम लोगों ने मीडियम चेंज कर दिया और मीडियम हम कुछ भी और ले आए फ्री स्पेस के अलावा, तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर ले आएंगे। अब ये चूंकि एप्सिलॉन आर हो या एप्सिलॉन नॉट हो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनके लिए जिस तरह का मीडियम होगा उसकी वैल्यू पहले से स्पेसिफाइड है, तो उसके मुताबिक ये जो हमारा के बनेगा तो इस के की वैल्यू भी स्पेसिफाइड होगी। तो अगर हम लोग रिपीट करें तो कॉलम लॉ से पहले हमने चार्जेस की बात की है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, प्लस और नेगेटिव के। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, और जो कॉलम का लॉ है उसके मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 9×10^9 है। इसके अलावा हमने बात की कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगे, F12 और F21 ये फोर्सेस इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को यूज किया है।
और अगर मीडियम फ्री स्पेस के अलावा होगा तो हम लोग उसमें रिलेटिव परमिटिविटी को यूज करेंगे।